हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती कश्यप आप सभी का स्वागत करती हूँ अच्छिता की रसोई में। आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ सुबह का नाश्ता बच्चों के लंच बॉक्स में रखने के लिए पनीर के पराठे। देखिए, ये मैंने पनीर ले रखा है 250 ग्राम और अब इसमें हरी धनिया, भुना हुआ जीरा, लाल मिर्च और थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च और ये मैंने जीरा और नमक का पाउडर बना के रखा है वो है गाइस, और थोड़ा सा सेंधा नमक और आटा गाइस। चलिए पहले हम पनीर मसाला तैयार कर लेते हैं बनाने के लिए पराठे का, पनीर पराठे का। आप इसको बच्चों को देंगे बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी होता है, जिनको पनीर तो अधिकतर सभी के लिए फेवरेट है तो वो बना के खा सकते हैं। जीरा पाउडर, सारी सामग्रियाँ डाल दी मैंने और थोड़ा सा नमक। हरी धनिया, आपको अगर पसंद है इसमें प्याज वगैरह तो डाल सकते हैं। ऐसे तो केवल पनीर का पराठा ही अपने आप में एक अच्छा टेस्ट है उसका। इस तरह हम सब सामग्रियों को मिला लेंगे। झटपट बनने वाला है, नहीं है पनीर है आपके घर में या कभी कभी दूध भी फट जाता है तो उसका पनीर इस तरह बना के बच्चों के लिए बढ़िया सा लंच बॉक्स तैयार कर सकते हैं या उनको सुबह के नाश्ते में दे दीजिए। शाम को भी बच्चों को नाश्ता लगता है तो आप इसे दे सकते हैं। अचार के साथ सर्व कीजिए, चाय के साथ। ये देखिए हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है, पराठे का पनीर पराठे का मसाला रेडी, स्टफिंग रेडी हो गई है पनीर। चलिए हम आटा गूंथ लेते और फिर हम बढ़िया से पराठे बनाएंगे। ये आटा, चलिए देखिए फ्रेंड्स, यह आटा मैंने गूंथ लिया है और इसको रेस्ट के लिए रख दिया था 10 से 15 मिनट के लिए। ये अच्छे से फूल गया है, अब हम चलिए पराठा बनाते हैं। छोटा सा हम इसी तरह एक पेड़ा ले लेंगे, इसको इस तरह से घुमाते हुए हम गोल करके इसमें स्टफिंग फिलिंग कर देंगे। मेरी बेटी को बहुत पसंद है, उसको इतना पसंद है कि ये समझ लीजिए उसको अधिकतर या वो टिफ़िन में भी लेके जाती है तो उसकी फ्रेंडों को भी बहुत पसंद है कि पनीर के पराठे आंटी ने भेजे हैं तो बहुत ही अच्छे और हेल्दी भी रहते हैं सवेरे बच्चों के लिए। तो आप बनाइएगा ज़रूर इसको, बच्चों को दीजिएगा, बच्चे बड़े खुश हो जाएंगे। टिफ़िन में सरप्राइज़ दीजिए, हस्बैंड को सरप्राइज़ दीजिए लंच बॉक्स में देख के, उनको हल्के हाथों से ऐसे दबाते हुए चारों तरफ। देखिए तवे से हम पहले थोड़ा सा देसी घी लगा लेंगे, फिर ये जो पराठा हमने बनाया था फ्रेंड्स इसको डाल, और
धीमी आंच पे सेकेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से सिक जाएगा अंदर। अब इसमें डाली हूँ देसी घी लगा ली हूँ। देसी घी नहीं है, आप जो भी ऑयल यूज करते हैं वो लगा दीजिए। चारों तरह हम अच्छे से सिंक लेंगे इसको। इसमें गाइस इसकी बहुत अच्छी स्मेल आ रही, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए रेडी हो गया है गाइस हमारा पनीर पराठा। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है इसका। देखिए फ्रेंड्स मैंने इसी तरीके पनीर के सारे पराठे बना लिए हैं। अब आप बच्चों को इस तरह पिज्जा कट स्टाइल में आप दीजिए, बच्चे बहुत खुश होंगे। अचार के साथ, केचप के साथ और इन आपको जिस चीज़ के साथ इसको पसंद हो खाने का आप खा सकते हो। गाइस आपको पनीर पराठे पसंद आए, आप कमेंट्स करिए कैसा लगा आपको, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट्स ज़रूर करिएगा गाइस, और सब्सक्राइब भी ज़्यादा से ज़्यादा करिए प्लीज़ प्लीज़ गाइस, शेयर भी करिए। थैंक यू गाइस, हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय गाइस।